अभी तो दोनों फाइट में चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रायजादा जी का माहौल बन रहा है, जैसे जनता जहाँ भी वो जा रहे हैं, जनता जनार्दन उनको प्यार कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जनसलाब उड़ रहा है, तो मुझे अवश्य लग रहा है जनता इस बार बदलाव चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल अभी भी में। जैसे कि आपको पता है चुनाव नज़दीक है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो हमने हर लोगों की बात जानने की कोशिश की है, क्या राय है लोगों की, किस तरह सा लोकसभा का प्रत्याशी चाहिए। बात करें, हमने धर्मशाला में भी लोगों के रिव्यू लिए थे कि किस तरह का प्रत्याशी चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए, वहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं देरा ढलियारा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, इनको किस तरह का प्रत्याशी चाहिए। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम विकास सिंह, एडवोकेट फ्रॉम देरा। सर लोकसभा के चुनाव है, सर आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं यहाँ पे? देखिए, प्रत्याशी उसी प्रकार का होना चाहिए और उसी प्रकार का होगा भी कि जो देरा के उत्थान के लिए, हमीरपुर संसदीय सीट जो हमारी है उसके विकास के लिए तत्पर रहे, और यहाँ के जो काम जो काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़े हैं, इवन जो सांसद जीत के जाते हैं वो दोबारा कभी आते नहीं, तो इस बार लोगों ने मन बनाया है कि वो इस बार वो नया प्रत्याशी जो है वो उतारेंगे और वो यहाँ से जाकर ही छोड़ेंगे। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के और हमारे इलाके में आप देख सकते हैं, आसपास भी आप नजर दौड़ाइए, लोग ही लोग यहाँ खड़े हैं, सीधे साधे ईमानदार और बड़े ही स्वच्छ छवि वाले हमें जो मुख्यमंत्री हमारे अपने ही इलाके से मिले हैं। तो मैं बता दूं कि इस बार पूरी जनता, आसपास की हमीरपुर संसदीय सीट जो है वो पूर्ण तौर से कांग्रेस विजयी होगी, और ये आप अवश्य देखेंगे, अपने पीछे देखिए ग्राउंड कैसे भरा हुआ है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिंपी ठाकुर है जी। सर क्या चाहते हैं, किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं यहाँ पे? प्रत्याशी जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बोला, यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है? पलड़े की बात करें तो अभी तो दोनों फाइट में चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रायजादा जी का माहौल बन रहा है, जैसे जनता जहाँ भी वो जा रहे हैं, जनता जनार्दन उनको प्यार कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा जनसलाब उड़ रहा है, तो मुझे अवश्य लग रहा है जनता इस बार बदलाव चाहती है। सर क्या नाम है आपका? सर विजय ठाकुर थोबा। सर किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं और किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे? इस बार जनता ने मन बना लिया है, यहाँ से रायजादे ही जीतेंगे और सेंटर में हम कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, यहाँ से हम चौका और विधानसभा का छक्का लगाएंगे और सुक्खू जी के हाथ मजबूत करेंगे। आपका कहना है? नीरज। तो क्या कहना है लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा चुनाव में यही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी सेंटर में भी, और जो हमारी यहाँ से 6 सीटें हैं वहीं भी कांग्रेस ही आएगी।